तो आज मैं आपको एकदम नए कसूरी मेथी के चिप्स बनाना बताऊंगी। एकदम नए टेस्ट के बनते हैं ये, और बनाना भी बहुत आसान है, और देखने में बिल्कुल ये आपको मार्केट जैसे ही लगेंगे, और टेस्ट इसका बिल्कुल हटके होता है। हेलो फ्रेंड्स, नाज खान किचन में आपका स्वागत है एक और नई रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, कसूरी मेथी के चिप्स बनाने के लिए देखिए, यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हमें लेना है 3 छोटा चम्मच सूजी। तो फ्रेंड्स, सूजी मैंने यहाँ बारीक वाली ली है। आपके पास मोटी बारीक जो भी सूजी हो आप ले सकते हैं, या फिर आप मोटी सूजी हो तो उसे एक बार मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा, तो ये अच्छे से बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो देखिए, 3 चम्मच हमने सूजी ले ली है। अब इसमें हमें डालना है पानी, तो पानी हम थोड़ा ही डालेंगे पहले, क्योंकि हम इसे 5 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे जिससे कि सूजी फूल जाएगी। तो एक बार चम्मच से हम चला लेते हैं, और देखिए पानी हमने थोड़ा ही रखा है। अब इसे हम रख देते हैं, इसी तरह से छोड़ कर रखते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, और 5 मिनट में ये आपको फूली फूली सी दिख रही होगी। सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है, ज़्यादा देर हमें इसे नहीं रखना है। अब देखिए, एक बर्तन लिया है जिसमें हम चिप्स बनाएंगे ना, बस वही बर्तन लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं जो भिगा कर हमने सूजी को रखा था वो डाल देंगे, और इसमें जो 1 कप हमने पानी लिया था वो डाल देंगे। तो इस 1 कप पानी से हमने थोड़ी सी सूजी को भिगो कर भी रखा था, जो बाकी का बचा है वो भी हमने डाल दिया है। अब यहाँ मैंने 1/2 कप और पानी डाल दिया है। तो 3 चम्मच सूजी में हमने 1.5 कप पानी लिया है। अब देखिए, ये पानी ले लिया है अच्छे से। अब इसको हमें गैस पर रख देना है। तो फ्रेंड्स, अब गैस पर हमने इसे रख दिया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, और हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। तो चम्मच बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसमें किसी तरह की कोई गुठलियाँ वगैरह ना पड़े। हमें बराबर इसको, जब तक इसमें बॉईल नहीं आता है, जब तक बराबर इसी तरह से चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, सूजी है जल्दी से फूल जाती है, और बहुत ही आसानी से इसके चिप्स बनकर तैयार हो जाते हैं। बस बराबर इसी तरह से हमें चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि इस कसूरी मेथी के चिप्स को हमें कैसे बनाना है। तो देखिए, हम बराबर इसे चला रहे हैं, और ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के चिप्स को ज़्यादा क्वांटिटी में भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, 1-2 साल ये आसानी से चलते हैं। आप इसे अच्छी तरह से अगर स्टोर करके रखेंगे तो ये काफ़ी वक्त चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही बिल्कुल नम पड़ेंगे। तो देखिए, इसमें बॉईल आ गया है। अब गैस की फ्लेम हमने स्लो कर दी है, तो स्लो फ्लेम पर अब हम इसे 10 मिनट तक बस इसी तरह से चलाते हुए पकाते रहेंगे। सूजी अच्छे से पक जाएगी तो हमारे चिप्स जो हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आप जल्दबाजी में सूजी को पकाकर अगर इसके चिप्स बनाते हैं ना, तो बीच में से क्रैक पड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा ही नमक, और बिल्कुल यहाँ 1 चुटकी में डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स, सोडा नहीं है तो मत डालिएगा, बिना सोडे के भी आप इस चिप्स को बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, बराबर चलाते हुए देखिए, मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक पका लिया है, और सूजी की देखिए कितने अच्छे से फूल गई है, और अब ये हमारे चिप्स बनने लायक हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं, बस इस तरह की गाढ़ी कंसिस्टेंसी ही इसकी रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, और इतनी ही कंसिस्टेंसी में बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिप्स बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम गैस बंद कर देंगे ना, उसके बाद में ही हमें इसमें डालना है कसूरी मेथी। तो देखिए, यहाँ मैंने ड्राई कसूरी मेथी ली है 1/2 चम्मच। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें कसूरी मेथी कम ही डालनी है। अगर आप ज़्यादा कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे तो क्या होगा कि इसका टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ी सी कड़वाहट सी आने लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कसूरी मेथी इसमें कम ही डालिएगा। तो लास्ट में डालकर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 4 आनी चिप्स डालने हैं। तो 1 छोटा चम्मच लिया है हमने, क्योंकि हम छोटे छोटे चिप्स बनाएंगे, तो बस 1/2 चम्मच लेते जाएंगे और इस तरह से फैलाते जाएंगे। तो यहाँ आप किसी भी प्लास्टिक में फैला सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे का जो पैकेट आता है ना वो लिया है,
इसमें हम छोटे छोटे चिप्स डालेंगे। बहुत ही आसानी से देखिए बन रहे हैं, किसी तरह की आपको मोल्ड सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे ये बनकर तैयार होंगे। बस इस तरह से आपको छोटे छोटे चिप्स बनाते जाना है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप छोटे चिप्स बनाएं या बड़े, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ छोटे ही छोटे चिप्स बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और देखिए इस तरह से छोटे छोटे सारे ही चिप्स हमने बना लिए हैं और बहुत ही अच्छे ये दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको इसको ड्राई कर दिखाएंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी पंखे के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप तेज़ धूप में भी रख देंगे ना तो एक दिन में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो सारे चिप्स हमारे रेडी हो गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 3 चम्मच सूजी ली थी हमने और काफ़ी सारे हमारे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। अब ये ड्राई हो जाते हैं ना, फिर मैं आपको इसे दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, सिर्फ हमने एक दिन की धूप दिखाई है, कितने अच्छे से ये हमारे चिप्स ड्राई हो गए हैं और बनने के बाद देखिए कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल देखने में आपको ये मार्केट जैसे ही लगेंगे, बिना साचा बिना मोल्ड के ये चिप्स बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही गोल गोल बने हैं, बहुत ही पतले पतले ये चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। आप सेम इसी तरह से इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं और आप देखें ये इतने पतले हैं कि आपको इससे मेरी फिंगर भी दिखाई दे रही होगी, काफ़ी पतले ये चिप्स बनकर तैयार होते हैं। और टेस्ट तो इसका बहुत ही गजब का होता है क्योंकि ये चिप्स हमने कसूरी मेथी के बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक इस कसूरी मेथी के चिप्स नहीं बनाए हो ना तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी इसे बनाना मुश्किल नहीं है। तो चलिए मैं अब आपको इसे फ्राई कर भी दिखा देती हूँ। ये हमारे छोटे छोटे चिप्स बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होकर तैयार होते हैं और देखेंगे कितने अच्छे बड़े साइज़ में हो जाते हैं। तो ये देखिए आप कितने अच्छे से ये बड़े बड़े हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस टेस्टी मज़ेदार इस चिप्स को बनाकर ट्राई करें, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार कसूरी मेथी के चिप्स की रेसिपी कैसी लगी।